नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिजाइन और आज मैं आप लोगों के लिए 24 बाई 35 फीट का पूरा मुख्य घर का नक्शा लेकर आया हूं और इसको वास्तु के अनुसार बनाया गया है। इस प्लान का विशेषता यह है कि इसमें 3 बेडरूम बनाया गया है और एक हॉल है, 2 टॉयलेट हैं, एक किचन, एक पार्किंग दिया गया है, जैसा कि आप लोग इस प्लान में देख सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्किंग दिया गया है। पार्किंग का साइज है 11 फीट 10 इंच बाई 13 फीट 7 इंच का। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टॉयलेट दिया गया है, जैसे बाहर से कोई आता है तो उसको यूज करने के लिए, और ये इतना पोर्शन ओपन रहेगा। आप चाहें तो इसको लिविंग भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बेडरूम बनाया है जिससे कि बेडरूम का संख्या 3 हो गया है और इसका साइज है 11 बाई 10 फीट का। और इसमें देखिए खूबसूरत फर्नीचर का भी लेआउट किया गया है, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे हॉल में। हॉल का साइज है 17 फीट 4 इंच बाई 10 फीट 11 इंच का। 17 फीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है 10 फीट 11 इंच। और ये डाइनिंग टेबल चेयर का अरेंजमेंट किया गया है। यह पोर्शन किचन का है, किचन का साइज है 5 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 11 इंच का और यह किचन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। बेडरूम का साइज है 9 फीट 6 इंच बाई 9 फीट का और उसमें भी एक खूबसूरत बेड का लेआउट करके आपको समझाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक 9x9 का बेडरूम दिया गया है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक टॉयलेट बनाया गया है। टॉयलेट का साइज है 4x8 फीट का और ये जो प्लाट फ्रंट से और रियर से ओपन है, तो आप यहाँ पर एक विंडो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह रहा प्लान का लेआउट। इसका डायमेंशन मैंने आपको बता दिया, अभी आपको मैं इसका वेंटिलेशन समझा देता हूँ। तो बेडरूम के लिए एक विंडो यहाँ से लग जाएगा और एक विंडो आप यहाँ से लगा सकते हैं। हॉल में एक विंडो यहाँ से आ जाएगा। किचन का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा और इस तीनों का वेंटिलेशन यहाँ रियर से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोगों का कुछ कमेंट है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।